हेलो फ्रेंड, फेमस टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि करवा चौथ पर दिया अंगद ने साहिबा को बड़ा सरप्राइज, तो वहीं अंगद के बड़े फैसले से पूरी तरह से हिल गया बरार परिवार। जी हां दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि अंगद साहिबा को सही सलामत बरार हाउस से ले आएगा, तो वहीं शो के अपकमिंग ट्रैक में करवा चौथ का बड़ा सेलिब्रेशन बरार हाउस में मनाया जाने वाला है, जहां करवा चौथ वाले दिन अंगद अपनी साहिबा को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। तो वहीं बरार हाउस में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, क्योंकि इतने दिनों बाद घर में खुशियां आई हैं। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां पूरा का पूरा बरार परिवार काफी ज्यादा खुश नजर आने वाला है, तो वहीं साहिबा बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने नए अवतार में तैयार हो के सबके सामने आने वाली है, क्योंकि अंगद ने साहिबा के लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल ड्रेस ली है, जहां फंक्शन में मीडिया वाले भी आए होंगे और अंगद से सवाल पूछते नजर आने वाले हैं कि अंगद सर, हमने सुना है आप शादी करने वाले हैं, वो भी दूसरी शादी, क्या ये सच है? वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां अंगद फाइनली सबके सामने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए नजर आने वाला है, तो वहीं अंगद अपने पूरे परिवार और मीडिया वालों के सामने ये साफ साफ कह देने वाला है कि हाँ, मैं दूसरी बार शादी करने जा रहा हूँ और आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, और मैं अपनी दूसरी शादी अपनी पहली बीवी से ही करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी पहली शादी एक समझौता थी, एक मजबूरी में बनाया गया रिश्ता था, जिसमें हम दोनों की कोई खुशी नहीं थी, बस परिवार की इज्जत और मान सम्मान को बचाने के लिए हम दोनों शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन अब वक्त भी बदल चुका है और हम भी बदल चुके हैं। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रह के ये जान लिया है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए बाबा जी ने हम दोनों की डोरियों को एक दूसरे से बांधी थी, इसलिए अब हम अपने पूरे दिल से और प्यार के साथ फिर एक बार इस बंधन में बनना चाहते हैं और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों, अंगद का ये फैसला मनवीर और सीरत दोनों के होश ही उड़ा के रख देगा और अंगद और साहिबा की होगी न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।